बिना मेरा रक्षा बंधन। भगवान ने मारी सुनी सी देखी है, तब भी ये मौका दिया है। फटाफट जाके सबसे पहले बुढ़िया के वो बाल और लाठी दोनों को ठिकाने लगाना होगा। बापू साहब, भाई साहब, आग! के हुआ रसू? के हुआ? बापू साहब, भाई साहब, आग! ए? बापू साहब, भाई साहब, आग! रसाड़ हट वहां से, चल जाएगी। हट, पकड़ इसे, पकड़ इसे। काकी कहती है किसी चीज का टूटना या जलना बहुत अशुभ होता है। आज तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा, तू किसी को शकल दिखाने के लायक ना बचेगी। सूरज, गांव हमारी जिम्मेदारी है। जब तक वो दौड़ा पकड़े ना जावे, मैं सबसे विनती करता हूँ कि अपने जेवर गहने कीमती सामान सब के सब बैंक में रखे। आज तो शनिवार है, ये काम तो सोमवार से पहले हो ना सके। पर उम्मीद, कल और परसों के बीच में चोरी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? सरपंच साहब, सरपंच ही लेंगे। सरपंच ने कहा ना कि गांव की जिम्मेदारी उनकी है, तो गांव के लोगों के गहनों की जिम्मेदारी भी उनकी है और सरपंच ये जरूर निभाएंगे, है ना सरपंच साहब? सही कहा ना मैंने? पूरे गांव में खबर कर दो, ये बैंक खुलने तक सभी गांव वाले अपना कीमती सामान, जेवर और गहने हमारे घर में सुरक्षित रख सकते हैं। मैं जिम्मा लेता हूं। बापू साहब, मैं जाके रख दूं? तू रखेगी? क्या रख दे? ठीक सर। चकोरी की किस्मत का खेल देख, लक्ष्मी माँ खुद हमारे पास चल कर आई है। चांद निकलने दे, उसके बाद देखना। रात से भी ज्यादा अंधेरा इस तिजोरी में होगी। आज ये लुटेरी दुल्हन सरपंच के नाक के नीचे से ये पूरी तिजोरी साफ ना कर दे, तुम्हारा नाम भी चकोरी ना। सरपंच साहब, ये गहने हमारी जिंदगी भर की कमाई है, इसे संभाल के रखिएगा। निश्चित रहे, सुरक्षित रहेगा आप सबका कीमती सामान। हाथ जोड़ो। बापू साहब,
अगर यही कांड किसी और ने किया होता तो वो अब तक जेल में होता, और पुलिस की लाठियां जब पड़ती ना तो अपने आप सारे के सारे गहने वापस निकलते हैं। पर इनके साथ अलग बर्ताव क्यों? मैं तो कहती हूँ कि बुलाओ पुलिस ने और फैसला करो अभी के अभी। बुलाओ पुलिस को। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे अठे उमेद साने सारे गांव वालों के गहने चोरी कर लिए, आके गिरफ्तार कर लो उनको। आप लोग मारे बापू साने चोर कैसे बोल सकते हो? सब लोग जानते हैं कि मारे बापू साने कितने अच्छे हैं और वो कभी कोई गलत काम ना कर सकते। मारे बापू साने चोर ना है, भगवान गलत हो सकता है पर मारे बापू साने गलत ना हो सकते। मारे बापू साने किसी का पैसा नहीं खा सकते। बोली बच्चों लेके जा। वाह, राम जी ने मिलाई जोड़ी, आदमी और लुगाई दोनों ने सरे आम चौराहे पर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, वरना ऐसे में तो लोग खुद ही अपना गला घोट देते। तीज की बहुत बहुत बधाई हो सरपंचा और भूली, आज के तीज का पुण्य मैं आप दोनों को देती हूँ। अब तो भगवान ही रक्षा करे आप दोनों की। अगड़ी को साक्षी मान के थरा हाथ थमाए मैंने, पर अब जब तक खुद उस अगड़ी के हवाले ना हो जाता ना, मैं थरा हाथ ना छोड़ूंगा। आदमी और लुगाई दोनों ने सरेआम चौराहे पर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। सरपंचा, आज तीज के दिन आप पे लगे दाग को साफ करके आपको जेल से छुड़वाऊंगी और फिर आपके हाथ से पानी पी के ही व्रत तोड़ूंगी। कुछ दिखा ना? आपने दिखा ना? अब कांटा गया हमारे रास्ते से। सरपंच साने बहुत भरोसा था ना अपने प्रेम पर और मन्ने अपनी जिद पर। भरोसा हारा और जिद जीती। अब सरपंच साने मारे कब्जे में करने से मन्ने कोई ना रुक सकता। सुन, फटाफट निकलते हैं, रास्ते में तू नौकर वाला भेज धर लेना। चल